स्टार्ट होती है चार्मी की कहानी से, जिसने हर एक की मुसीबत में उसका साथ दिया था। उसने हर लड़की को हमेशा प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया है। स्लीपिंग ब्यूटी जो कि 100 सालों से सो रही थी, उसे जगाने वाला चार्मिंग ही था। सिंड्रेला का शो जब पार्टी में गुम गया था तो उसे चार्मिंग ने ही ढूंढा था। यहाँ तक कि स्नो वाइट ने जब एक पॉइजनस एप्पल खाया था तो वो चार्मिंग ही था जिसने किस करके उसे जगाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि स्लीपिंग ब्यूटी, सिंड्रेला और यहाँ पर स्नो वाइट एक बेकरी में आती है अपनी शादी की केक के लिए। यहाँ पर जब बेकर उनसे पूछता है कि शादी किससे हो रही है, तो पता चलता है इन तीनों की ही शादी प्रिंस चार्मिंग से होने वाली है। दूसरी तरफ किंग चार्मिंग को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि शहर के सारे लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई लड़की देखती है वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाती है। चार्मिंग किंग से कहता है कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, मुझे तो कर्ज मिला है। जिस पर किंग कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा ये कर्ज तोड़ देना चाहिए और इसके लिए उसे फायर माउंटेन तक जाना होगा ताकि उसे अपना सच्चा प्यार मिल सके। किंग ने भी ऐसा ही किया था, जिसके बाद उन्हें क्वीन मिली थी। पर इस सबसे उनकी बेस्ट फ्रेंड का दिल टूट गया था, क्योंकि वो किंग को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड ने ब्लैक मैजिक सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो क्वीन को बहुत ही ज्यादा हेट करती थी और उसने कसम खा ली थी कि किसी भी तरीके से किंग की फैमिली को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। फिर किंग चार्मिंग को बताते हैं कि कैसे जब तुम पैदा हुए थे तो एक फेरी आई थी तुम्हें चार्म का गिफ्ट देने के लिए, और यहाँ पर उनकी बेस्ट फ्रेंड ने आकर अपना ब्लैक मैजिक यूज किया और चार्म का बैग चार्मिंग के ऊपर फुल ऑन खुल गया था। इसके बाद ये कर्ज था कि वो इतना चार्मिंग होगा कि हर लड़की को लगेगा जैसे प्रिंस चार्मिंग ही उसका ट्रू लव है। ना चाहते हुए भी चार्मिंग को हर लड़की का दिल तोड़ना होगा तब तक उसको अपना ट्रू लव ना मिल जाए। ये कर्ज सिर्फ 21 ईयर से पहले ही तोड़ा जा सकता है, और अगर तब तक ना तोड़ा गया तो चार्मिंग का सारा प्यार खो जाएगा। इसके बाद किंग कहते हैं प्रिंस को कि तुम्हें जाकर ये कर्ज तोड़ना होगा, क्योंकि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं कि तुम 21 के हो जाओगे। प्रिंस समझ जाता है कि इस काम में उसे बहुत ही ज्यादा मसला होगा, क्योंकि वो इतना चार्मिंग है कि हर लड़की का तो वो ट्रू लव बन ही जाता है, तो अब उसे अपना ट्रू लव कैसे मिलेगा। इसके बाद हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि कुछ खजाना पैलेस की तरफ लेके जा रहे थे। रास्ते में उनके सामने एक ट्री गिरा हुआ था, जिसके बाद एक गार्ड उस ट्री को हटाने लगता है। अब यहाँ पर जो सामान आ रहा था उसको एक चोर चुरा लेती है। पता चलता है कि ये लिनोर नाम की एक लड़की है जिसने अपने बर्ड के साथ मिलकर इसे चुराया है। इतना सारा खजाना देकर लिनोर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर देखती है कि गार्ड्स उसके पीछे आ रही है, जिसके बाद वो खजाना लेकर टाउन की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस चार्मिंग भी उसी टाउन में है जहाँ पर वो अपना ट्रू लव ढूंढने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर तो हर लड़की उस कर्ज की वजह से चार्मिंग के पीछे पागल हो रही थी। लिनोर जब इस टाउन में आती है तो गार्ड्स अभी भी उसके पीछे थे। यहाँ पर वो प्रिंस चार्मिंग से टकरा जाती है और पहली नजर में प्रिंस चार्मिंग को लिनोर बहुत पसंद आती है। बट यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज होती है, बाकी लड़कियों की तरह लिनोर पे उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे प्रिंस चार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया था। प्रिंस चार्मिंग को तो समझ ही नहीं आता कि लिनोर से क्या बात करे, जिसके बाद वो उसे अपनी लव स्टोरी सुनाने लगता है। इसका असर तो लिनोर पे बिल्कुल ही नहीं होता। वो भी जब गार्ड्स को देखती है कि वो यहाँ ही आ रही है तो वो भागने लगती है। अब छुपने के लिए लिनोर उसी बेकरी में चली जाती है, जहाँ पर बेकर उसे समझता है कि कोई ऐसी ही लफंगी है जो कि अंदर आ गई है, और उसे बाहर जाने को बोलता है। अब लिनोर उस बेकर को कर देती है बेहोश, और इतनी ही देर में वो तीनों प्रिंसेसेस आती है यहाँ पर केक पिक करने के लिए। लिनोर देखती है कि कैसे उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी हुई है, जिसके बाद वो एक बेकर के रूप में बाहर आती है और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी ज्वेलरी उनको बताए बगैर ही चुरा लेती है। अब बातों बातों में लिनोर को पता चलता है कि इन तीनों की इंगेजमेंट होने वाली है प्रिंस चार्मिंग से, और इन तीनों को तो ये बात पता ही नहीं है, जिसके बाद वो ये बात इन तीनों को बता देती है। और अब पता चल जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, जिसके बाद लिनोर उनकी ज्वेलरी लेकर यहाँ से भाग जाती है। अब जब लिनोर यहाँ से भाग रही थी तो वो एक गार्ड से टकरा जाती है, जिसके बाद उसकी चोरी पकड़ी जाती है और उसे लेकर जाते हैं एक प्रिजन में। वहाँ सारी प्रिंसेसेस अपने गार्डियंस के साथ पहुँच जाती हैं और बातों बातों में लिनोर को पता चल जाता है कि प्रिंस चार्मिंग फायर माउंटेन पे जा रहा है। लिनोर इन सबको बताती है कि कैसे रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी। इसके बाद सारे गार्डियंस एक प्लान करते हैं और लिनोर से कहते हैं कि अगर वो सेफली वहाँ तक ले जाए प्रिंस को, तो ये वापस आकर एक प्रिंसेस को चूज कर लेगा और इसके बदले में लिनोर को बहुत सारा खजाना मिलेगा अगर वो सेफली ये सारा काम कर ले। खजाने की बात सुनते ही लिनोर रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को चेंज करती है एक आदमी के रूप में और लेनी बनकर जाती है प्रिंस चार्मिंग के साथ। प्रिंस चार्मिंग भी जब देखता है कि उसको मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो भी रेडी हो जाता है कि शायद लेनी कोई मदद कर ही दे, और उसको अपने साथ ले जाता है। ये दोनों सफर पे निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में प्रिंस चार्मिंग उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे मुझे ट्रू लव हासिल करने के लिए यहाँ फायर माउंटेन तक जाना होगा, और इसके लिए मुझे 3 मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके साथ
बाद ही हम देखते हैं कि वही विच अब भी सारा कुछ देख रही थी अपने मैजिक से। ये सारी चीजें देखकर वो कहती है कि जल्द ही प्रिंस चार्मिंग अपने कर्ज का फाइनल असर देखने वाला है। रास्ते में प्रिंस चार्मिंग लेनी से पूछता है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तो लेनी कहता है कि मैं समंदर के पार आया हूँ। उसके साथ ही वो कहता है कि मुझे लाइफ में सिर्फ एक ही लेसन मिला है कि किसी भी अनजान आदमी पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। अब चलते चलते ये लोग एक बहुत ही मिस्टीरियस से फॉरेस्ट में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स थे और वो सब के सब इन दोनों पर हमला कर देते हैं। लेनी को पता चलता है कि प्रिंस चार्मिंग को तो लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता, ना ही उससे उनकी सॉर्ट चल रही है। इसके बाद लेनी इन दोनों को बचाती है, जिसके बाद जहाँ से निकल पड़ती है। बट आगे ही एक क्लिफ थी और भागते भागते इनकी कैरेज वहाँ से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर कैरेज के ऊपर लगा हुआ कपड़ा एक पैराशूट में चेंज हो जाता है। ये लोग सेफली लैंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विच को पता चलता है लिनोर के बारे में और ये भी कि कैसे प्रिंस चार्मिंग का तो असर ही नहीं होता उस पर। यहाँ पर उसे कुछ नई चीज पता चलती है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो फायर माउंटेन को गायब कर देती है ताकि इन दोनों को वो माउंटेन कभी मिले ही नहीं। अब ये दोनों आगे सफर कंटिन्यू कर रहे थे कि रास्ते में इनको कुछ बहुत ही जायंट लेडीज मिलती हैं। ये इन दोनों पर अटैक करने लगी थी बट प्रिंस चार्मिंग अपने चार्म से उनको भी हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद यहाँ पर इनके ट्राइब के पास लेके जाते हैं इन दोनों को, जहाँ पर ट्राइब की लीडर कहती है कि मैं प्रिंस चार्मिंग से सुबह शादी करूंगी। चार्मिंग देखता है कि उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सॉर्ड भी है। दूसरी तरफ उसी ट्राइब की मैजिशियन बताती है लेनी को कि तुम्हें जल्दी किसी से सच्चा प्यार होने वाला है। ये बात सुनते साथ ही लेनी को तो ख्याल आता है प्रिंस चार्मिंग का। इसके बाद हम देखते हैं कि रात होती है तो यहाँ पर प्रिंस चार्मिंग उस सॉर्ड को चुरा लेता है और जाता है लेनी को बचाने के लिए उसी विच के पास। यहाँ ट्राइब की विच देख लेती है कि ये दोनों भाग रहे हैं, जिसके बाद वो चीखती है ताकि बाकी सारी लेडीज भी जाग जाएं और इनको पकड़ लें। अब ये आवाज़ सुनकर वहाँ की सारी जाइंट लेडीज जाग जाती हैं और इनको पकड़ने लगती हैं, बट ये दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग ही जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विच ये सब कुछ देख रही थी और उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो प्लान करती है कि अब लालच से इनको भटकाया जाए। इसी प्लान के अकॉर्डिंगली वो बहुत सारे रूबीज उनके रास्ते में रख देती है और हम सबको तो पता है कि लेनी कैसे चोरी करती थी, तो वहाँ पर वो एक रूबी को उठा लेती है। जैसे ही वो रूबी को उठाती है बाकी सारे पत्थर एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्रिंस चार्मिंग बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से उस मॉन्स्टर को दूर कर दे, पर यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर नोटिस करता है वो कि उस मॉन्स्टर की नज़र सिर्फ उस रूबी पे है जो कि लेनी के हाथ में है, तो वो स्टोन लेनी से ले लेता है और किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर को बाहर लेकर आता है केस से। इसके बाद प्रिंस वो स्टोन वापस मॉन्स्टर को दे देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर खुश होता है और उनकी दोस्ती हो जाती है। अब लिनोर जब ये सारा कुछ देख रही थी तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है प्रिंस चार्मिंग की स्ट्रेंथ और ब्रेवरी से। इसके बाद लिनोर उसे पास ही के एक टाउन में मिलने को बुलाती है, जिसके बाद टाउन में वो एक ड्रेस देखती है और साथ ही वो इमेजिन करने लगती है खुद को प्रिंस चार्मिंग के साथ। जब वो विच ये सब कुछ देखती है तो वो प्लान करती है कि किसी भी तरीके से लिनोर का दिल तोड़ा जाए। अब हम देखते हैं कि उस मैसेज के अकॉर्डिंगली प्रिंस चार्मिंग उस जगह तक पहुंच चुका है जहां पर वो बाकी सारी लड़कियों से छुपते छुपते अपनी टेबल तक पहुंचता है। यहां पर विच भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वो के थ्रू बाकी सारी लड़कियों को प्रिंस चार्मिंग के पास भेज देती है। जब लिनोर वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि प्रिंस चार्मिंग के आसपास कितनी ज्यादा लड़कियाँ हैं और इससे उसका दिल बहुत ज्यादा दुखता है और वो फौरन बाहर आ जाती है। इसके बाद वो खुद को बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि उसे ही क्या शौक था कि वो खुद को ख्वाब दिखाए एक प्रिंसेस बनने के। इसके बाद हम देखते हैं कि लिनोर फिर से लेनी बन गया है, जिसके बाद वो प्रिंस चार्मिंग को उन गार्डियंस के पास लेकर आती है जो कि उन प्रिंसेसेस के थे। प्रॉमिस के अकॉर्डिंगली सारे गार्डियंस लिनोर को बहुत सारा खजाना देते हैं, जिसके बाद लिनोर भी प्रिंस चार्मिंग को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। यहाँ पर प्रिंस चार्मिंग उसे कहता है कि मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो तुम्हें पहली नजर में ही देखकर पसंद कर लिया था। सारे गार्डियंस गार्ड को कहते हैं कि प्रिंस चार्मिंग को पकड़ लो, जिसके बाद प्रिंस चार्मिंग फिर से लिनोर को कहता है कि किस्मत हमें साथ लेकर आई है एक बार फिर से और इसका मतलब यही है कि हमें साथ रहना चाहिए। जिसके बाद लिनोर उसे कल शाम की बात याद कराती है कि मैंने तुम्हारी सच्चाई देख ली है और मेरा सच्चा प्यार ये खजाना है बस। इसके बाद वो सारे गार्डियंस कहते हैं प्रिंस चार्मिंग को कि अपने सच्चे प्यार को चूज करो, जिस पर प्रिंस चार्मिंग कहता है कि मुझे इन तीनों प्रिंसेसेस में से कोई भी नहीं पसंद। इसके बाद वो कहता है कि मुझे इस दुनिया को गुड बाय कह देना चाहिए ताकि मेरे साथ ही ये कर्ज भी खत्म हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस चार्मिंग सारी लड़कियों को एक एक लेटर लिख रहा है, जिसमें वो सबको बता रहा है कि उनका प्यार सिर्फ एक कर्ज की वजह से है और वो आज अपनी जान देकर इस कर्ज को भी खत्म कर देगा। किंग बहुत कोशिश करते हैं कि प्रिंस चार्मिंग को किसी भी तरीके से समझा ले, बट प्रिंस चार्मिंग कहता है कि मैं 21 का होने वाला हूँ और ये कर्ज खत्म नहीं होगा। अब ये सारी बात सुनकर
किंग भी मान जाता है और समझ जाता है कि सारे लेटर्स को भेज दिया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिनोर का वो बर्ड भी एक लेटर लेकर लिनोर के पास आता है, जिसको पढ़ने के बाद वो समझ आती है कि प्रिंस चार्मिंग को अपनी गलती रियलाइज हो गई है और वो फौरन भागती है प्रिंस चार्मिंग के पास उसको बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्ड जब लेकर आ रहे हैं प्रिंस चार्मिंग को हैंग करने के लिए, वहाँ पर टाउन के सारे लोग हैं, सिर्फ लड़कियां नहीं, और यहाँ पर सभी बहुत ज्यादा खुश है इस चीज से। प्रिंस चार्मिंग सबसे बहुत सॉरी कहता है कि आज के बाद कोई भी किसी के प्यार के बीच में नहीं आएगा और जिसने भी जो मसले क्रिएट किए वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद उसके गले में रस्सी डाली जाती है और इससे पहले कि वहाँ का गार्ड उस लिवर को खींचता, यहाँ पर एक एरो आता है जो कि उस रस्सी को काट देता है। यहाँ पर प्रिंस देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिनोर है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। साथ ही यहाँ पर वो विच आती है जो कि कहती है कि उसने किसी टाइम पर लिनोर को भी कर्ज किया था कि उसे किसी से भी प्यार नहीं होगा। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर लिनोर उस पर हमला करती है और वो विच भी लिनोर पे हमला करती है, पर यहाँ पर प्रिंस चार्मिंग उसके बीच में आ जाता है। विच का इफेक्ट होता है प्रिंस चार्मिंग पे और वो नीचे गिर जाता है। लिनोर ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर उसे याद आता है कि सारा कर्ज टूट सकता है सच्चे प्यार से। इसके बाद वो प्रिंस चार्मिंग को किस करती है, जिसके बाद अचानक से वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। उस विच के जाने के बाद यहाँ पर हर लड़की के ऊपर से वो कर्ज खत्म हो जाता है और लिनोर को भी फील होता है कि उसके दिल में कुछ चेंज हुआ है। साथ ही प्रिंस चार्मिंग भी जान जाता है। इसके बाद हम इन दोनों की शादी देखते हैं जो कि पूरा टाउन सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत सालों के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी एक पेंटिंग बनवा रही हैं, जिसमें ये किंग और क्वीन है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।